कहीं भी ऐसी कोई घटना घटती है या कोई ऐसे लोग अराजक तत्व हमारे बीच में आते हैं तो हम तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दे। बाकी काम पुलिस तैयार है, शासन की ओर से पुलिस को पूरा अधिकार देने की बात अफवाह फैलाएगा, मोबाइल के द्वारा फैलाएगा तो पक्का नहीं जाएगा, ये निश्चित जान। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और नगर साहब अशोक गुप्ता जी, लाल सिंह जी, भरत कुमार जी, शंकरपुर रामनगर से भरत कुमार जी, गौरव जोशी अशोक कुमार जी पूर्वीधारा से, संजय कुमार जी पूर्वीधारा से, सुनील जी हिफाजत, ज्योति जी ग्राम प्रधान जोरपानी, श्री अग्रवाल जी सभासद रामनगर। देश के अंदर नागरिकता संशोधन विधेयक और NRC को लागू करने के लिए हम आज यहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे और अमित शाह जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ ही हम आज यहाँ पर उपवास कर रहे हैं। कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियाँ रही हैं पूर्व में भी और लगातार देश को जिस तरह से उन्होंने बर्बाद करने का काम किया और आज वो और उनके सहयोगी जो नागरिकता संशोधन विधेयक आया है उसको लेकर जिस प्रकार का देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म विशेष को भड़काने का केवल प्रयास कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोगों से ये अपील भी करना चाहते हैं और आग्रह भी करना चाहते हैं कि इससे किसी के भी हित प्रभावित होने वाले नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो किसी भी धर्म और समुदाय का व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसके हित इससे प्रभावित होने वाले नहीं है, सभी हम देश के नागरिक हैं। हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस प्रकार के अराजकता फैलाने वालों को